गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रहेगा EVS। लेसन है हमारा थर्ड, लेसन का नाम है हमारा पड़ोस, जिसमें हमने उसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। उसमें हमने दो क्वेश्चन आंसर किए थे। अब हम करेंगे क और ख, हमने कर लिया था। अब हम करेंगे ग। ग क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है? जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें हमें फिल करना है, उनमें जो सही आंसर आएगा वो हमें लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे घर का आसपास का स्थान क्या कहलाता है? हमारा घर है जो उसके आसपास का स्थान क्या कहलाता है? हमें ऑप्शन दिए गए हैं, यही आंसर है जो इनमें हमें फिल करने हैं और हमें लिखने हैं। तो अब इसमें क्या आएगा कि हमारे घर का आसपास का स्थान डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? पड़ोस। तो यहाँ आ जाएगा पड़ोस। हमारे आसपास का स्थान पड़ोस कहलाता है। ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड। हम पेन पेंसिल डैश डैश की दुकान से ख़रीदते हैं। कहाँ से ख़रीदते हैं हम पेन और पेंसिल? इसमें आ जाएगा लेखन सामग्री। एक नंबर ये आ जाएगा और दो नंबर आ जाएगा ये लेखन सामग्री। हम पेन पेंसिल, लेखन मतलब लिखने की दुकान होगी ना, जहाँ लिखने की सामग्री मिलती है, लेखन सामग्री। नंबर तीन, बीमार होने पर हम डैश डैश में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बीमार होने पर हम अस्पताल में जाते हैं। नंबर तीन आ जाएगा अस्पताल या हॉस्पिटल, आम भाषा में हॉस्पिटल भी बोल देते हैं, अस्पताल। नंबर चार, हमें अपना पड़ोस डैश डैश तथा डैश डैश रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए हमें अपना पड़ोस? तो यहाँ आ जाएगा साफ। साफ रखना चाहिए ना, सफाई रखनी चाहिए। तो चार में आ जाएगा साफ तथा कैसा रखना चाहिए? हरा और भरा। तो यहाँ आ जाएगा हरा भरा रखना चाहिए हमें हमारा पड़ोस। कैसा रखना चाहिए? साफ सुथरा तथा हरा भरा रखना चाहिए। नंबर पाँच, हमें अपने से बड़ों का, लास्ट क्या बचा है? छः नंबर, हमें अपनों से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन करना चाहिए। ये हुए हमारे रिक्त स्थान। अब हम करेंगे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर एक, पड़ोस क्या होता है? क्या होता है पड़ोस? तो आंसर इसमें करेंगे, हमारे घर के समीप का स्थान पड़ोस कहलाता है। किसे कहते हैं पड़ोस? हमारे घर का समीप का जो स्थान है, हमारे घर के पास जो भी स्थान है उसे हम पड़ोस कहते हैं। नंबर दो, पड़ोसी कौन होते हैं? ये क्वेश्चन कैसे करने हैं? पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसके बाद हमें उत्तर लिखना है। पहली लाइन में हम प्रश्न लिखेंगे, क्या था? पड़ोस क्या होता है? तो उसी के नीचे जो आंसर हम यहाँ लिख देंगे, पड़ोस क्या होता है? हमारे घर के जो समीप स्थान होता है वो पड़ोस कहलाता है। वो हम यहाँ आंसर लिख देंगे, फिर प्रश्न और फिर उत्तर। नंबर दो क्या था? पड़ोसी कौन होते हैं? पड़ोसी जो हमारे घर के पास जो घर होते हैं उनमें जो रहने वाले लोग हो सकते हैं पड़ोसी, या हमारे घर के समीप मिठाई की दुकान या पंसारी की दुकान है, वो क्या होंगे? हमारे पड़ोसी होंगे। तो इसमें आ जाएगा मिठाई की दुकान तथा पंसारी की दुकान वाले, वो क्या हैं? हमारे पड़ोसी हैं। नंबर तीन, हम अपना धन कहाँ जमा करवाते हैं? हम अपना पैसा कहाँ जमा करवाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम वहाँ से अपना पैसा ले भी आते हैं या निकाल भी लेते हैं? तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा कि बैंक में जमा करते हैं। हम हमारा पैसा या हमारा धन कहाँ जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम ATM की सहायता से या बैंक कॉपी की सहायता से उन्हें वापस निकाल भी लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा, बैंक में जमा करवा हैं। नंबर चार, अच्छे पड़ोसियों की कोई चार विशेषता बतानी है। अच्छे पड़ोसी की कोई चार विशेषता बताइए, कौन सी होगी? आप भी अपने आसपास देखो, आपके भी पड़ोसी हैं, उनकी कोई आप अच्छी विशेषता लिखो चार। मैं भी बता देती हूँ। पहला तो ये कि पड़ोस को साफ रखे, सफाई रखे, स्वच्छ रखे। दूसरा क्या होगा कि उनका व्यवहार अच्छा हो, कुशल हो और वो मिलनसार हों।
और क्या होगा कि वो सहायक हों और हर सुख दुख में काम आने वाले हों। इस प्रकार बहुत सी विशेषताएं हो सकती हैं। तो ये हुए हमारा चैप्टर नंबर 3 हमारा पड़ोस, जिसमें हमने आज किया है रिक्त स्थानों की पूर्ति। उसमें क्या था, हमारे घर के आसपास का स्थान पड़ोस कहलाता है। दूसरा प्रश्न था, हम पेन पेंसिल लेखन सामग्री की दुकान से खरीदते हैं। नंबर 3, बीमार होने पर हम अस्पताल में जाते हैं। नंबर 4, हमें अपना पड़ोस साफ तथा हरा भरा रखना चाहिए। नंबर 5, हमें अपने से बड़े का अभिवादन करना चाहिए। ये थे हमारे रिक्त स्थान और प्रश्न उत्तर, जो मैंने आपको बता ही दिए हैं। PDF आपका सेंड हो जाएगा। नोटबुक में आपको नोट भी करना है और याद भी करना है। नोट कैसे करना है, याद है ना, फर्स्ट लाइन में हमें प्रश्न लिखना है और सेकंड लाइन में हमें उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं करना कि जहाँ से फर्स्ट लाइन प्रश्न के शुरू की है, आगे स्पेस बचा हुआ है, आप वहीं से उत्तर स्टार्ट कर दोगे। नहीं, नई लाइन से हमें उसका आंसर लिखना शुरू करना है।